아니 돈 받고 돈 받고 빼기 받고 हाँ हाँ भाई साहब, नमस्कार नमस्कार भाई साहब, बताइए। अरे नए साल की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी, आपको भाई साहब, आपके भी पूरे परिवार को नए साल की शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो रहा है, टैक्स सेविंग करनी है या नहीं करनी? हाँ करना करना है, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करेंगे भैया। अरे एकदम जोरदार बीमा का प्लान है मेरे पास, टैक्स भी बचाएगा और रिटर्न भी अच्छा देगा। तुम्हारे काम की पॉलिसी है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सोचता हूँ इस पर कुछ। अरे अरे सोचना वोचना क्या है, मैं तुम्हें कोई गलत चीज़ थोड़े ही दूंगा। ठीक है देखता हूँ। ठीक तो अरे बस संडे को आ रहा हूँ मैं, तो चाय नाश्ता भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पेपर तैयार रखना चेकबुक के साथ में, ठीक है विनोद? चलो बाय बाय विनोद। अरे क्या हुआ बाबा, क्या कह रहे थे? अरे क्या कहेंगे, वही बीमा पॉलिसी भेज रहे थे, कोई नई पॉलिसी आई है बोल रहे थे, टैक्स बचाने लिए करे निवेश तो करना ही है, तो एक पॉलिसी ले लो। आज चक्कर मा लोको नाणाकीय वर्ष पूरू थता पहला उतावळे वीमो खरीदी ले छे, कारण के तेनाथी टैक्स बचशे। एजेंट्स पण तमने वीमो खरीदो अने टैक्स बचाओ तेवी ज सलाह आपता होय छे। आज कारण छे के वीमा कंपनीओनो बिजनेस एप्रिल नी तुलनामां डिसेम्बर मां बे गणा करता वधु वधी जाय छे। तो समझे ना पापा, आपको टैक्स सेविंग करने के लिए कोई जीवन बीमा लेने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा बात ठीक कर रहे हो, मौसा जी को समझाते हैं, लेकिन उनको कौन समझाए, उनको तो हम ही समझा देते हैं। चलो कोई भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसमें रिटर्न तो मिलेगा ना। बीमा और निवेश है ना, दोनों विरोधाभासी शब्द है, तो निवेश के लिए बीमा नहीं खरीदे, निवेश के लिए आप दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो रिटर्न है एंडोमेंट और ये मनी बैक पॉलिसी, उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है उसके हिसाब से रिटर्न आता है, परंतु हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो 4-5% के बीच में आता है, जो इन्फ्लेशन से भी कम है और जो आपको बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है उससे भी कम है। देखिए ऐसा है कि अगर आप निवेश समझ के आप इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं तो मैं कहना चाहूंगा दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, न तो आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस मिलता है और न बराबर आपको रिटर्न मिल पाता है आपके जो पैसा डाला उसके ऊपर। जब टैक्स में छूट भी नहीं मिल रही है और रिटर्न भी कोई खास नहीं है तो बीमा में पैसा क्यों लगाएं? बचत वीमो के टैक्स सेविंग माटे वीमो खरीदवामा कोई समझदारी नथी। वीमो फक्त एटला माटे ज न खरीदी लेता, कारण के तमारो कोई दोस्त के संबंधी तमने आ प्रोडक्ट वेची रह्यो छे। तमारे ए जोवू पड़शे के शुं तमने आ वीमानी जरूरियात छे। तमारे ए पण जोवू पड़शे के जे प्रोडक्ट तमे खरीदी रह्या छो तेना फीचर्स शुं छे।
તમને જોઈતું હોય લાઈફ કવર અને પધરાવવામાં આવે મની બેક પોલિસી, એટલે કે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં તે ફિટ બેસે છે કે નહીં તે જુઓ. વીમો એટલા માટે લેવામાં આવે છે કે તે ભવિષ્યમાં થતા નુકસાનથી તમને બચાવે છે, ન તો તે કોઈ પ્રકારની બચત કે રોકાણ છે. તો જાગતા રહો અને ઇન્સ્યોરન્સની આ ભૂલથી બચતા રહો. આના માટે મની નાઇનની એપને ડાઉનલોડ કરી લો અને જાગૃત રોકાણકાર બનો. આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની નાઇન ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો. એટલું જ નહીં, મની નાઇન ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.